जेपीएन 7 की एक्सप्रेस रिपोर्ट, मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकिन कुरैशी और आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज। आज जेपीएन 7 की टीम पहुंची है अमरोहा लोकसभा क्षेत्र की हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव सकतपुर में। आज हमारे साथ मौजूद है यहां की आवाम, यहां की जनता, यहां के लोग, यहां के मतदाता। आपको बताता चलूं 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल अब पूरी शिद्दत और ताकत के साथ चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं। अगर बात करें सत्तारूढ़ पार्टी, क्योंकि केंद्र में और राज्य में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और इस वक्त जहां हम मौजूद हैं यहां से वर्तमान विधायक हैं महेंद्र सिंह खड़गवंशी जी, और जिस गांव में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इसको भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। भाजपा के गढ़ में क्या गठबंधन भाजपा को चुनौती देगा, यहां के लोगों की राय में आज राजनीतिक माहौल इस क्षेत्र में क्या है, लोकसभा का चुनाव यहां की आवाम किन मुद्दों पर वोट करेगी, लोकसभा के चुनाव में उनका सांसद कैसा होगा, उनका जनप्रतिनिधि कैसा होगा, लोकसभा के चुनाव में उनके मुद्दे क्या होंगे, क्या जो भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं जो प्रत्याशी जो यहां के क्षेत्रीय नेता हैं और बाहरी नेता हैं जो भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं अमरोहा से सांसद बनने की, क्या वह जनता की राय में सही है, किस दावेदार पर यहां की जनता भरोसा जताएगी, यहां की जनता की राय में भारतीय जनता पार्टी को किस दावेदार पर भरोसा जताना चाहिए, यहां की आवाम से जानेंगे उनकी राय में उनका सांसद उनका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, जानेंगे आवाम की राय में यहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। चलिए शुरू करते हैं जी। आपका नाम? मेरा नाम मदन पाल है। मदन पाल जी, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। हाँ जी। इस गांव को भाजपा का गढ़ माना जाता है। हाँ जी। और भाजपा से अनेकों लोग एक लंबी फहरिस्त है जो दावेदारी कर रहे हैं, उसमें कुछ नाम हमारे पास हैं, कंवर सिंह तंवर जी हैं, देवेंद्र नागपाल जी हैं, डॉक्टर कमल मलिक और पूर्व आईएएस अधिकारी रहे उनकी पत्नी है अनिला सिंह जी, डॉक्टर सोरन सिंह, राम सिंह सैनी और चेतन चौहान जी और कांठ के पूर्व विधायक राजेश चुन्नू जी और तेग सिंह जी और भी अनेकों नाम है जो भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन पार्टी जनता की आवाज को ठुकरा नहीं सकती। जिसको जिस प्रत्याशी को जिस नेता को जनता चाहेगी टिकट उसी को मिलेगा, क्योंकि जिस नेता का जनाधार होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। जो नाम मैंने आपके लिए आपके सामने लिए हैं, कौन प्रत्याशी मजबूती के साथ लड़ेगा, कौन प्रत्याशी, कौन दावेदार आपकी पसंद का है इसमें? ये तो ऐसा है कि पार्टी टिकट देती है, जिसे भी देती है, लेकिन जनता की भी आवाज होती है। जनता की आवाज होती है, जनता उसी के साथ लग जाती है जैसे पार्टी टिकट देती है, लेकिन जनता की आपका आवाज ये है कि ये कांठ के विधायक चुन्नू सिंह, इन्हें अगर सांसद का टिकट यहां से मिलता है तो इनके साथ पूरी टोटल पब्लिक इनके साथ रहेगी बीजेपी की। और उन्होंने तंवर सिंह को तो पहले भी देकर देख लिया, लेकिन वो अगर उन्हें टिकट मिल जाता तो वो कामयाबी नहीं है। चुन्नू विधायक पहले कांठ के विधायक रहे, यहां के क्षेत्र के लोग काफी उनके पास जाते थे काम के लिए, उन्होंने कभी किसी को काम को मना नहीं करा, वहां रहते हुए भी उन्होंने हमारे क्षेत्र का काम करा, बहुत बढ़िया आदमी, उन्हें टिकट मिलना चाहिए। नहीं, और भी तो दावेदार हैं नहीं, इनके अलावा हमारे गांव के हिसाब से तो कोई बढ़िया है ही नहीं जी। क्योंकि हमारे गांव के उनसे ही जुड़े हुए, पहले से ही वो विधायक रहे, बाकी कहीं और आगे होंगे, हम कभी उनके पास काम के लिए लगे, हम चुन्नू विधायक जी के पास काम के लिए गए, हमारा सारा गांव जाता था और क्षेत्र के लोग भी जाते थे, हम लेकर जाते थे उनके पास, वो काम के लिए मना नहीं करते थे और उन्हें जितना काम दिया जाता था वो काम में अपने में खड़े होकर करते थे, कभी काम को मना नहीं करा। लेकिन आपके क्षेत्र के ही हैं, हसनपुर क्षेत्र के हैं और पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हैं चंद्रपाल खड़गवंशी जी भी, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। देखिए चंद्रपाल सिंह भी बढ़िया आदमी है, उन्होंने विधानसभा में भी कई बार टांग लड़ाई है, लेकिन उन्हें टिकट ना हो पाया, अगर पार्टी उन्हें दे देती है तो हम तो उन्हें भी टिकट वोट दे देंगे अपना, लेकिन वो आनंद नहीं आने का। हाँ। अच्छा ये बताइए 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, भाजपा समर्थित ये गांव है, भाजपा का गढ़ इसको कहा जाता है, किन मुद्दों पर इस बार वोट डालने वाले हैं? वोट तो ऐसा है कि हमारे यहाँ मुद्दा क्या है, हमें तो वोट बीजेपी को देने होते हैं। बीजेपी को ही क्यों देते हैं, क्या वजह है? बीजेपी को ये देते हैं कि राशन हमें फ्री में दे रही है, गैस सिलेंडर हमें फ्री में करा दिए और जो हमारे आवास बनवा दिए और जो भी योजना है हमारे किसानों तक आने की, वो सब योजना हमें उपलब्ध हो रही है,
तो हम इसलिए बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन अभी हमारी टीम यहाँ अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में घूम रही है और किसानों से भी बात हो रही है, ग्रामीणों से भी बात हो रही है। उनका कहना है कि जो बिजली को जो ट्यूबवेल की घोषणा की थी उन्होंने, बिजली के बिल माफ हो जाएंगे, लेकिन अब कोई जियो उसके लिए जारी नहीं किया गया और लगातार बिजली विभाग के लोग उनसे वसूली के लिए उनके घरों पर आ रहे हैं, बिल जमा करने के लिए कह रहे हैं। तीसरा मुद्दा छुट्टा पशु है, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही है। तीसरा महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल पदार्थों में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में क्या भाजपा पुनः तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी? तीसरी बार नहीं, चौथी बार भी करेगी वापसी। तो ये भाजपा ऐसा है कि पहले गेहूं का रेट 10 रुपए किलो था तो डीजल 55 रुपए किलो था, आज गेहूं का रेट 25 रुपए किलो है तो डीजल अगर 100 को भी है तो किसान को कोई भारी नहीं है। लेकिन गन्ने के रेट भाजपा ने अब तक 3 साल से नहीं बढ़ाए हैं। गन्ने का रेट बढ़ जाएगा, 350 रुपए का गन्ना का रेट बहुत है अगर गन्ना पैदा हो जाए तो। और जब मेरे खेत में गन्ना ही ना और मैं कहना कि रेट 500 का हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। गन्ने का रेट काफी है 350, अगर 400 सरकार कर दे तो इससे बढ़िया तो बेहतर बात ही नहीं है, लेकिन 350 भी बहुत है। महंगाई किसी के लिए कुछ नहीं है, कोई से किसान से पूछ कर देख लो, महंगाई का मुद्दा जो उठाता है वो उठाता है जिसमें कमाई ना होती है, कि महंगाई हर चीज की ज्यादा हो गई, आ गई, ग्रामीण खुशहाल है, जनता खुशहाल है, भाजपा सरकार बिल्कुल कतई मुफ्त अनाज मिल रहा है, जो घर से ही ना निकलता फ्री में खा रहे हैं, दो दो बार ले रहे हैं, और जो गैस फूंक रहे, जो लकड़ी में देखते और गैस से रोटी बन रही है, 2000 रुपए खाते में आ रहे हैं जो किसान है, और इससे ज्यादा क्या लेंगे सरकार से? सरकार को तुम्हें कमा कर देगी ना? छात्रों की स्कॉलरशिप बंद कर दी बीजेपी गवर्नमेंट ने, बंद कर दो, वो हिसाब से कर दो, अब भी मिल रही है, मोबाइल मिलने वाले हैं, और स्कॉलरशिप इस वजह से बंद कर दो जो लेने के योग्य नहीं थे उनके लिए बंद कर दूंगा, और बाकी जो लेने योग्य हैं उनके लिए आ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में जो दावेदार हैं यहाँ से किस दावेदार पर यहाँ की जनता भरोसा जताएगी और किस दावेदार को पार्टी को यहाँ से टिकट देना चाहिए। आपसे बात करें जी, आपका नाम अहमद हसन साहब जी, माशाल्लाह दाढ़ी है, नूरानी चेहरा है आपका, ये बताएं 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, आपको अपना सांसद चुनना है, अपनी सरकार चुननी है? हमें तो चुन्नीलाल चाहिए, ये कौन थे अभी हमारे चुन्नीलाल जी। क्यों, वो क्यों? और भी तो हमारे लोग हैं, हमारे क्षेत्र के सब हम लोग हैं यहाँ, नहीं आपके यहाँ के विधायक हैं आपके, और भी उच्च नेता है, वही जानते नहीं, जाते नहीं तो हम कहें क्या भाई, इन्हें जाने उनके जोड़े जाए, दो चार बार जो भी काम कराए उनके जोड़े नहीं। इस बार वोट किसको करेंगे ये बताइए, भाजपा को या फिर गठबंधन को? जिताएंगे कोई, हम कोई डर रहे हैं इनसे, हम कोई देखिए हमें ले जा रहे हैं, हम यही रहेंगे, हिंदुस्तान के पास ही है, हिंदुस्तान में रहेंगे, लड़ेंगे और मरेंगे। भाजपा पर तो डर का कोई, हम इतना कमजोर है, भाजपा को तो मुस्लिमों का दुश्मन कहा जाता है, हमारे यहाँ ही नहीं है, हमारे अनाज बंद करा देते हमारे नहीं, इन्हें दिवाते हिंदुओं की क्या बात है, हमें संग्रहण करेंगे और लड़ेंगे, जब वो ये धोरेंगे तो हम उनमें से कितनी कहार है, नहीं हमारे सब भाई है। चलिए ये एक मुस्लिम है और भाजपा का समर्थन करते दिख रहे हैं, अच्छा चाचा ये बताइए जी, इतने सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं, पूर्व सांसद हैं कंवर सिंह तंवर जी, देवेंद्र नागपाल जी पूर्व सांसद हैं, डॉक्टर कमल मलिक हैं पूर्व विधायक हैं गढ़मुक्तेश्वर से और पूर्व आईएएस अधिकारी रहे, उनकी पत्नी हैं अनिला सिंह जी और डॉक्टर सोरन सिंह जी भी हैं, राम सिंह सैनी जी भी हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान जी की पत्नी हैं संगीता चौहान जी और कांठ से पूर्व विधायक हैं राजेश चुन्नू जी, तेग सिंह जी और सुरेंद्र सिंह जी, 10-12 लोग यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र लड़ रहे हैं और आपकी दावेदारी कर रहे हैं, आपकी पसंद में इनमें से कौन दावेदार बेहतर रहेगा? चुन्नू लाल, वो क्यों? यूं का उनके घर जाते हैं, काम के टाइम फौरन सुनते हैं, और कोई काम नहीं करता आपका? ना क्यों भाई, अजीब चुनने से कुछ हटती ना हमारे विधायक, मैं कहूँ क्या, कभी चले जाओ चूंता में कुछ नहीं हटती, और विधायकों पे या कोई भी है संसद में विधायक काम नहीं करते ना, और उन्होंने सबसे का काम करे विधायक क्षेत्र विधायक है महेंद्र खड़गवंशी जी, काम नहीं करते आपका? अभी ऐसा भोजपा नहीं दो कोई कुछ कर दो, आप गए उनके पास? हाँ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने की हाँ करेंगे, अभी देखेंगे काम हुआ फिर कहाँ हो, मैं वोटों के टाइम पे वोटों के टाइम है और वैसे कुछ नहीं, अच्छा काम नहीं करते कुछ भी। देखिए यहाँ के क्षेत्र विधायक हैं महेंद्र खड़गवंशी जी, इनका आरोप है भाजपा के समर्थक हैं
ये मुस्लिम व्यक्ति है और भाजपा के समर्थक है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि यहाँ के जो क्षेत्र विधायक है महेंद्र खड़गवंशी जी, उनके पास काम के लिए जाया जाता है, आश्वासन देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं हो पाता है, आगे बढ़ेंगे। जी आपका नाम? सतीश जी। 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे? हम तो भाजपा के वोट दें। भाजपा क्यों? हाँ, विधायक को यही बनाओ, इस बात से चुनिंदा बन जाओ, तवासी में कोई बन जाओ, गाय जो फिर छुट्टा पशु फिर इंडा भर के ले जाओ, कोई भी चाह ये इनसे बहुत दुखी है हम। ये भी तो बाबा की देन है। अरे तो बाबा की देन है, इनसे बहुत दुखी है, पूरी प्रकार खेत में रहते हैं हम लोग। बाबा संरक्षित कर रहे हैं, इनको बाबा ने छूट दे रखी है। बाबा तो देखो इनसे कार्रवाई इतनी गौशाला बननी चाहिए, क्या छोड़े तो हम ही लोगों ने छोड़े, तुम हम भाई किसान नहीं, पर उसकी गौशाला बननी चाहिए। इनसे क्या नुकसान हो रहा है? खेती खा रहे हैं सब, खेती खा रहे और सब लागत लाभ भी रहते हैं, खेतों पर रहते हैं। अच्छा ये बताइए, आप भाजपा समर्थित हैं और भाजपा का एक गढ़ है, इतने सारे लोग दावेदारी कर रहे हैं अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से सांसद बनने के लिए, भाजपा से अपना टिकट लेने के लिए, आपकी राय में कौन बेहतर रहेगा प्रत्याशी यहाँ से? देखो सभी बल्लाबेटा से तुम अब बुरा से आई जाती है। नहीं देखिए, अच्छे हैं लेकिन चुनना आपको है, चयन आपको करना है, पार्टी को भाजपा को किसको अपना टिकट देना चाहिए आपकी राय में, जनता की राय में? जिसकी बड़े भाई ना हमारे क्या दिन होगी, जिसमें उनकी इच्छा चुनिंदा करें। आप बताइए ना, आपका अपना क्या मत है, आपके क्या विचार है इसको लेकर, आपकी राय में कौन होना चाहिए यहाँ से भाजपा का प्रत्याशी? चुनिंदा की और भी तो हैं, 10 लोगों की सूची मैंने गिनाई कि नहीं चुनिंदा की, वही क्यों जब सभी उसे कह रहे हैं तो नहीं, हम भी नहीं करते। आप सभी को छोड़ो, आप बताओ आपकी पसंद कौन है? जब हम कह रहे हैं हमारे काम हो जाते हैं उनके पास जाने से, हमारे भाई जाते हैं तो हमारे कोई काम वाम अटकते हैं तो आपके काम हो जाते हैं, आपके लोगों के काम हो जाते हैं। चलिए काम करते हैं लोगों के जमीनी स्तर पर, इसीलिए यहाँ की आवाम उनको पसंद कर रही है। जी आपका नाम? मेरा नाम शिवम प्रजापति है। शिवम प्रजापति जी, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाले हैं? मुद्दा तो देखो ये आएगा, क्या गाँव के अंदर कम से कम 50-60% आबादी ऐसी है कि जिनके पास जमीन नहीं है, ठीक है, नहीं उन्हें आदि योजना से वंचित रखा जाता है। जैसे कि मान लो पीएम किसान है, उन्हें क्या मिल रहा बेचारों? तो ये तो अब समर्थन जो बीजेपी के साथ ही करेंगे, जैसे मान लो इनके पास तो एक राशन का ही ऑप्शन है और कोई सरकारी तरफ से कोई योजना इनके पास आ नहीं रही है, तो आगे कोई सरकार देखती है जो उनके बारे में सोचेगा, तो उनके साथ ही जो बढ़िया करेगा, जो स्कीम लाएगा उसी के साथ जाना पसंद करेंगे। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ के लोकल हैं, निवासी हैं, क्षेत्र में हैं, यहाँ के मतदाता भी हैं, आपके क्षेत्र की ऐसी सबसे बड़ी समस्या क्या है जिससे आवाम लगातार जूझ रही है? देखो समस्या तो यही है कि मान लो एक तो मेडिकल लाइन की सुविधा कोई हमारे यहाँ चिकित्सा सेवाएं नहीं है। हाँ नहीं है, पैरा मेडिकल कोई है नहीं यहाँ से, मुरादाबाद के लिए यही बच्चे जाते हैं पढ़ने, कोई ऐसा कॉलेज अभी तक यहाँ पे नहीं खुला है जो मेडिकल की पढ़ाई कराता हो। जी अच्छा ये बताएं, पिछले 5 साल में 2019 की जब लोकसभा चुनाव हुए थे, यहाँ से आपके सांसद बने थे बसपा से, जी कितने संतुष्ट हैं उनके 5 साल के कार्यकाल से? देखो संतुष्ट तो ये है, जीतने के बाद में आदमी कोई इधर की तरफ झांकता नहीं है, अब हमारा ये रास्ता है, मेन रास्ता चल रहा है, मतलब लोधीपुर से चल रहा है, अब गाँव के ये है कि यहाँ से निकाला जाए, अभी कोई सर्वे उर्वे कुछ हुआ नहीं है, गांव ने मतलब धरना दे के एक पुल निकलवाया गांव के लिए हाईवे का, गंगा एक्सप्रेस का, वो भी गांव वालों ने मेहनत करके जब निकला, नहीं तो इसकी तरफ भी किसी का भी ध्यान नहीं गया। फिर बताइए अगले साल 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, पीएम के रूप में किसको देखना पसंद करेंगे, योगी को या मोदी को? देखो अब नेक्स्ट पीएम तो हमारे बाबा ही होने चाहिए। मोदी क्यों नहीं? मोदी अब देखो जब किसी का मन वो हो जाता है तो नया मोदी से दिल भर गया, नया कैप्टन बनना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। जी तो बाबा पसंद करेंगे अगर बहुमत मिलता है भाजपा को? हाँ तो बाबा पे विश्वास करेंगे, बाबा पर विश्वास करेंगे, बाबा पीएम बनने चाहिए। चलिए इनकी राय में अगर भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलता है 2024 के लोकसभा के चुनाव में तो बाबा इनकी राय में पीएम होने चाहिए, शायद लगता है मोदी जी से दिल भर गया इनका। जी आपका नाम? नृपेंद्र कुमार चौधरी। नृपेंद्र कुमार चौधरी साहब थोड़ा आगे आए, आपसे बात करेंगे, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, केंद्र में किसकी सरकार, भाजपा या गठबंधन? गठबंधन हो या भाजपा की हो, ठीक है वो मिलजुल कर ही बनेगी, लेकिन सबसे ज्यादा हम सहमत बीजेपी से ही। भाजपा से क्यों? बजट कुछ बुरा थोड़ी कर दिया, किसानों की बस थोड़ी मांग है, वो किसानों की मांग पूरी कर दें,
किसानों की क्या मांगे हैं? किसानों की मतलब कर्ज माफी है जो है वो करते हैं, तो बस यही है। और क्या किसानों के बिल माफ किए थे, लेकिन बिजली के बिल माफ है? बिजली के बिल भी कोई माफ नहीं हुआ अभी तक। उन्होंने घोषणा की थी कि किसानों के ट्यूबवेल के बिल माफ किए जाएंगे, लेकिन वो माफ नहीं हो पाया अब तक, जी जारी नहीं हो पाया अब तक। नहीं, इसको लेकर किसानों में गुस्सा है? किसानों गुस्सा है। ऐसे में समर्थन करेंगे भाजपा का चुनाव में? करेंगे समर्थन, फिर भी समर्थन करेंगे। अच्छा, ये बताइए क्षेत्र की आपके आसपास की सबसे बड़ी समस्याएं क्या क्या है? क्षेत्र की बस ये है, हमारा ये मेन रोड है हाईवे का सुचारू हो जाए, बढ़िया चालू, और ये समस्या। और अच्छा, ये बताएं, एक लंबी फहरिस्त है भाजपा से दावेदारों की, आप भाजपा समर्थक हैं, भाजपा का गढ़ इस गांव को कहा जाता है, 10 से 12 लोगों की सूची है हमारे पास, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को अपना किसको प्रत्याशी बनाना चाहिए? दावेदारी बहुत लोग कर रहे हैं, आपकी राय में कौन कौन दावेदार बेहतर रहेगा? फिर भी मैं नाम गिनाता हूँ आपको। नहीं, कंवर सिंह तंवर जी हैं, देवेंद्र नागपाल जी हैं, डॉक्टर कमर मलिक जी हैं, डॉक्टर सोरन सिंह जी हैं, अनिला सिंह जी हैं, राजेश चन्नू जी हैं, तेग सिंह जी हैं, सुरेंद्र सिंह जी हैं। राजेश चन्नू जी क्यों अच्छे लोग? बढ़िया क्यों? ये आपके पड़ोसी भी चंद्रपाल सिंह जी भी हैं, वो भी दावा कर रहे हैं? कोई बात नहीं, वो अच्छे नहीं है क्या? ना, सब बढ़िया। और भी लोग हैं? कोई सब बढ़िया, हमारे लिए तो सब ही बढ़िया हैं, हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे। इन्हीं पर विश्वास क्यों जता रहे हैं? ना, फिर भी थोड़ा हमारा वो है सिस्टम, थोड़ा हमारा उन पर है वो, उन पर विश्वास है आपका? चलिए, उन पर विश्वास है आपका, आपसे बात करेंगे। आइए, आप आ जाइए, इनका हो गया, आप आइए। चलिए, यहाँ पे शकरपुर में हम लोग, और यहाँ आपने देखा कि किस तरह से जनता सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का दावा कर रही है। कुछ मुद्दे हैं किसानों के, कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको चाह रही है यहाँ की आवाम, तो वह भारतीय जनता पार्टी उनका निस्तारण करे। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं आशुतोष कुरेशी फिर मिलूंगा आपके साथ नए मुद्दे के साथ, नए क्षेत्र के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए GPN7 न्यूज, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद उमर के साथ आशुतोष कुरेशी, GPN7।